हनुमान नगर विकास मंच नई बस्ती अभिलेख में आबादी की मांग की घोषणा के लिए विनोद द्विवेदी के नेतृत्व में पानी की टंकी के पास हनुमान नगर नई बस्ती में शाम 5 बजे 6 अक्टूबर को शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया और अपनी मांग को शासन के सामने रखकर अपनी घोषणा आबादी को पूर्ण कराने की हमने जो मुख्यमंत्री आवेदन किया है। सब लोग बात न करें, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब ध्यान से सुनेंगे आप लोग, आपस में बात न करिएगा 10 मिनट। बहनों से आग्रह की आपस में बात न करिए। माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल, नई बस्ती को भू अभिलेख में आबादी दर्ज कराने सहित मंगल भवन के मंच से की गई 11 सूत्री घोषणा की पूर्ति बाबत ये ज्ञापन में लिखा। मान्यवर, नई बस्ती के 7 वार्ड, वार्ड 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 के मोहल्ले हनुमान नगर, गणेश नगर, डुंगरी, आदर्श नगर, राजीव नगर, अम्बेडकर नगर, दुर्गा नगर, टपरिया बस्ती, आईटीआई बस्ती मोहल्लों में 1 लाख गरीब मजदूरों की आबादी निवास करती है। नई बस्ती निवासी आपके और आपके सरकार के साथ रहे हमेशा से। 28 दिसंबर 2015 को नई बस्ती स्थित मंगल भवन के मंच से नई बस्ती वासियों की 11 सूत्री मांग, पट्टा मालिकाना हक, हायर सेकेंडरी स्कूल, महिलाओं के लिए स्वरोजगार केंद्र सहित सभी मांगों की तत्काल पूर्ति की घोषणा आपने की थी। आबादी सहित अन्य मांगों का 8 मार्च 2018 को मंगल भवन से 1000 महिलाओं का सम्मेलन कर 5000 लोगों के हस्ताक्षर का ज्ञापन माननीय सांसद जी को उनके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्षा को सौंपा गया था। 1000 महिलाओं का सम्मेलन हुआ था 2018 में, तब भी एक मांग पत्र सौंपा गया था। बहने सब नई बस्ती की इकट्ठा हुई थी। फिर इसके बाद नई बस्ती के लोग 31 मई 2018 को 1200 लोगों की रैली गई थी तपते धूप में। मई में सोचो 31 मई को कितनी धूप रहती है। तो हम सब लोग 1200 लोग गए थे। तब मुख्यमंत्री जी से आमने सामने 10 मिनट बात हुई थी और जब बात हुई थी तब उनने कहा था कि अगली सरकार जब बनेगी तो हम कैबिनेट में निर्णय लेंगे और नई बस्ती के लोगों को मालिक बना देंगे 2018 में। तभी ये जो धरनाधिकार अभी पट्टा बट रहा है, तभी की मांग पर ये धरनाधिकार का पट्टा की योजना उनने बनाया था। ठीक है, अभी तक दबा के रखे। जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया तब उसको जो है तो खोल दिए, नहीं तो ये योजना सरकार के लोग दबा के रखते थे। ठीक है, जबकि 18 में ये योजना बन गई थी लेकिन अभी तक दबा के रखते थे। जब हम 7 महीने से आंदोलन शुरू किए तो 1 महीना 1.5 महीना जब आंदोलन चल गया उसके बाद इस योजना को उनने बताना शुरू किया कि ये योजना आ गई। ठीक है, आप जब बताना शुरू किया तो अब चुनाव की आचार संहिता लग गई, 1-2 दिन में लग जाएगी। कितने लोगों का काम हो पाएगा बताइए, कितने लोगों का काम हो पाएगा? हाँ भाई, पंजीयन होता, ऑनलाइन पंजीयन होगा, पंजीयन होने के बाद फिर पटवारी सर्वे करने जाएगा, फिर सर्वे करने के बाद वो पट्टा बनाएगा, फीस जमा होगी, वो भी फीस जमा होगी 1% जमा होगी जमीन के रेट के हिसाब से जो सरकारी रेट होगा, और 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भू भाटक लगेगा, तब जाके पट्टा बनेगा। वो अलग से है, टैक्स अलग से है, उसके अलावा लेंगे तब जाके पट्टा बनाएंगे। हम लोग जो कह रहे हैं इसमें आबादी में 1 रुपया नहीं लगना किसी का गरीब का। नई बस्ती, पूरे नई बस्ती में 1 लाख गरीब मजदूर निवास करते हैं। साफ साफ लिखा इसमें कि नई बस्ती में गरीब मजदूर है, इस तरह के लोग निवास करते हैं कि यहाँ लोग आए थे खाने कमाने के लिए, किराए में रहे और किराए में रहने के बाद 2 पैसा जोड़ा तो सरकारी जमीन में जाकर के खरीद लिए बेचारे, और सरकारी जमीन में खरीदने के बाद जहां नौकरी करते थे वहां बंधक बन गए और उससे कर्जा लेके मालिक से आके घर बना लिए, पेट काट काट के लोगों ने घर बनाया। आज पक्के घर लोगों के बने हैं, बड़ी सुंदर बस्ती चमकदार दिख रही है, लेकिन सब पेट काट काट के और मालिक के यहाँ गिरवी आधे लोग, आज भी आधे लोग अभी भी कर्जा लिए हुए हैं। कोई समूह में कर्जा लिया है तो कोई जो है तो मालिक के यहाँ कर्जा लिया है। नई बस्ती की 75-80% जनसंख्या जो है तो कर्जे में जी रही, सही बात है कि नहीं है? अब ऐसे लोग जो है तो पैसा दे करके किस तरह से पट्टा बनवा पाएंगे? तो ये जो लड़ाई 7 महीने से चल रही है,
ये लड़ाई नई बस्ती के उन्हीं गरीब लोगों के लिए है जो इस तरह नहीं कर सकते। बाकी जिनके पास पैसा होगा वो तो जाके कहेंगे, वो यहाँ बैठक में भी नहीं आएंगे और ना वो इस आंदोलन को सहयोग करेंगे। लेकिन ये आंदोलन तो सबके लिए है ना, जब सबके लिए है तो आम लोग जो गरीब है, मजदूर है, जिनके पास नहीं है, उनको भी तो मिलना चाहिए कि जिसके पास पैसा उसी भर को पट्टा मिल जाए, बाकी को ना मिले। ये कहां का न्याय है? ये अन्याय है ना, और ये अन्याय नई बस्ती के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब लोग एकजुट होंगे, सब लोग एकजुट की नहीं होंगे, सब लोग एकजुट होंगे ना, आप सब लोग ठीक है। तो इसमें जो 10 मांगे शामिल हैं, इसके बाद भी हम लोगों ने आंदोलन किया है, आंदोलन हम लोगों ने उसके बाद आगे की बात हमारी भी अधूरी रह गई। उन्होंने आश्वासन दिया था कि चुनाव के बाद, नई सरकार के गठन के बाद तुरंत आपको भू अभिलेख में दर्ज कराने का काम कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करेंगे और राजपत्र में प्रकाशन करेंगे। हम लोग परसों इंतजार में थे, हमारे नेता लेके गए थे यहाँ कागज भोपाल कि हम आपका करवा रहे हैं, तो हम परसों इंतजार में थे। परसों अंतिम कैबिनेट बैठक हुई है कि शायद मुख्यमंत्री जी कोई निर्णय करके आए हो, इसीलिए कल विरोध प्रदर्शन हम लोग नहीं किए थे कि शायद निर्णय होके आ गया हो तो क्यों विरोध करें। लेकिन हम लोगों के साथ में कल छल हुआ, परसों धोखा हुआ, ठीक है। अब ये समझिए कि हम लोगों ने 2019 में भी ज्ञापन दिया, 20 में भी ज्ञापन दिया, 21 में भी ज्ञापन दिया, 500-700 लोगों की रैली लेकर के यहां से गए, ज्ञापन दिया, मेहनत करते रह गए, लेकिन अभी तक सरकार हमारी आवाज को नहीं सुनी। सरकार की हठधर्मिता जारी है। अब 28 दिसंबर को जो घोषणा हुई थी, वो घोषणा में 11 बिंदु क्या क्या शामिल थे, आप भी सुनिए, समझिए इसको। पहला है नई बस्ती को भू अभिलेख में आबादी दर्ज कराना, 1,00,000 गरीब मजदूर निवासियों को मालिकाना हक दिलाया जाए। दूसरा है बस्ती के छात्र छात्राओं के अध्यापन हेतु, नई बस्ती में कोई हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, नई बस्ती में हायर सेकेंडरी स्कूल खोला जाए, नई बस्ती के गरीब मजदूरों के लड़के, यहाँ तक की लड़कियां भी नई बस्ती से बाहर दूर पढ़ने जाती हैं। 1,00,000 की आबादी है, 3,000-5,000 के गांवों में हायर सेकेंडरी स्कूल खुली है, तो नई बस्ती की 1,00,000 की आबादी में हायर सेकेंडरी स्कूल खोला जाए, दूसरी मांग ये है। तीसरी मांग है नई बस्ती की 80% महिलाएं गरीब तबके की हैं, जो स्वरोजगार चाहती हैं कि नई बस्ती में कोई स्वरोजगार का काम खुले और उसमें वो काम करें, चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं, महिला बहनें बताएं, चाहती हैं। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा में कहा था कि सुन लो कलेक्टर, सुन लो कमिश्नर, हमारी बहनों के लिए 1 सप्ताह में 2 एकड़ जमीन आरक्षित कर देना स्वरोजगार केंद्र के लिए। लेकिन 8 साल हो गए, अभी तक 1 सप्ताह पूरा नहीं हुआ, तो रोजगार केंद्र की जमीन आरक्षित नहीं हुई। चौथा मुद्दा है प्राथमिक शाला डोगरी गणेश नगर वार्ड नंबर 14 और शासकीय प्राथमिक शाला आदर्श नगर वार्ड नंबर 13 का उन्नयन माध्यमिक शाला में 8वीं तक कर दिया जाए। प्राइमरी स्कूलें खुले हैं, उनको 8वीं तक कर दिया जाए, किया जाना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पांचवा मुद्दा है नई बस्ती की खेल प्रतिभाओं का विकास हो। नई बस्ती में खेल का मैदान नहीं है, हमारे बच्चे कहाँ खेलने जाएं? कोई एक जगह बता बना दो जहां पर खेल का मैदान हो और नई बस्ती के बच्चे भी खेले और क्रिकेट में, वॉलीबॉल में, फुटबॉल में तमाम आगे निकले, उनको भी प्रतिभा का विकास हो, नई बस्ती के बच्चों का भी विकास हो, इसके लिए खेल का मैदान एक चाहिए। चौथा मुद्दा है बिरला मार्केट से 4 मंदिर वाली रोड, हम लोग जीवन भर से मांग रहे हैं कि उसको पक्की कर दो, लेकिन सरकार फैक्ट्री के दबाव में आज तक नहीं कर पाई, ठीक है। पांचवी मांग है मंडी के कोने में तलैया है, जिसमें इस साल हम लोगों ने कजलिया मिलन किया था, आबादी तलैया, साफ सफाई करवाया हम लोगों ने, लगते 1 हफ्ते 10 दिन जिनने देखा होगा, साफ सफाई करवाया वहां पर, खूब मेहनत किया हम लोगों ने। तो उस तलैया के मेड़ में सभी समाज के, जैसे हरिजन समाज के हैं तो संत रविदास जी का, कायस समाज है चित्रकूट गुप्त का, और वाल्मीकि समाज है वाल्मीकि भगवान का, और वैश्य समाज है तो कश्यप जी का, इस तरह से जितने समाज हैं, विश्वकर्मा समाज है विश्वकर्मा भगवान का, ठीक है, इस तरह से ब्राह्मण समाज है परशुराम जी का, क्षत्रिय समाज है, तो जो जो लोग जिस भगवान की वहां मूर्ति विराजना चाहते हैं उनकी चारों तरफ बढ़िया मेड़ के ऊपर मूर्ति विराज जाए और उसको एक समरसता तीर्थ का नाम दिया जाए,
अच्छी मांग है कि नहीं है? तलैया का विकास हो जाएगा, सौंदर्यीकरण हो जाएगा, स्वच्छता। नई बस्ती के अंदर केवल एक ही तलैया है, एक तलैया है, तो उसका विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके बगल में एक जमीन पड़ी है, तमाम लोग उसको कब्जा करने के फिराक में है। वहां पर नई बस्ती के गरीबों के लिए जनवास घर बना दिया जाए, बनाया जाना उचित है कि नहीं है? जनवास घर बना देंगे तो नई बस्ती पूरे को उसका लाभ मिलेगा, गरीबों की बारात आएगी, वहीं जनवास होगा, वहीं गरीबों के बच्चों की शादी विवाह होंगे। जिनके पास पैलेस करने की गुंजाइश नहीं है उनका काम चलेगा। उचित मांग है ये, सातवीं मांग हो गई। आठवीं मांग है डॉक्टर अंबेडकर मंगल भवन, मंगल भवन जो अपना खुला तो इसकी बाउंड्री वाला धूरी पर ही रह गई, उसको भी कंप्लीट कर दिया जाए जिससे मंगल भवन का पूरा उपयोग हो पाए। और अगली मांग है जो हमारे मंगल भवन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला है, उसमें हम लोगों ने पहले भी मांगा था कि 10 बिस्तर लगाओ, कभी कोई रात में किसी को तकलीफ हो गई तो वो यहाँ पर भर्ती होकर प्राथमिक उपचार ले सके, या महिला बहन को प्रसव पीड़ा हो गई, रात में वाहन नहीं मिला तो प्रसव हो सके, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर अगली मांग है गरीब मजदूर की बाहुल्य इस बस्ती में, जब तो आप शहर में बढ़िया हार्ट टेक स्कूल चलाते हो, कंप्यूटर फर्नीचर सहित, यहाँ भी कोई बढ़िया इस तरह का सर्वोदय टाइप का विद्यालय, गवर्नमेंट की एक प्लान है कि जहाँ मजदूर ज्यादा रहते हैं उन बस्तियों में सर्वोदय विद्यालय खोले जाते हैं, उनमें कंप्यूटर भी लगा रहता, बैठने की बढ़िया व्यवस्था रहती, तो हमारे गरीब मजदूर की बस्तियों में भी हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए इस तरह के सर्वोदय विद्यालय, और सरकार अभी इंग्लिश मीडियम विद्यालय भी खोल रही थी, इंग्लिश विद्यालय हमारे बस्ती में भी इंग्लिश मीडियम का सरकारी विद्यालय खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? 1 लाख की आबादी है हमारी। अगली मांग है खेरदाई बार 14 की जमीन खेरदाई के नाम से सुरक्षित कर दो, और जहां पर भुइया बाबा है भुइया बाबा की जमीन भुइया बाबा के नाम से कर दो, स्थान रहना चाहिए, वहां महिलाएं जाती हैं, गाती हैं, बजाती हैं, नहलाती हैं, कभी कोई आयोजन होता है, मुंडन कंछेदन कुछ भी होता है तो देवी भुइया के पास है ना होता है, जिसके गरीब अपना मुंडन कंछेदन कर लेता है, ठीक है, तो वहां पर स्थान रहेगा तभी ना मुंडन कंछेदन कर पाएगा। तो ये जितनी मांगे हैं ये 11 मांगे हैं, यदि इसमें लगे कि कोई गरीब की मांग नहीं तो बताइए आप लोग, यदि सब मांगे गरीबों की है एक बार जोर से ताली बजा करके समर्थन करिए, करते रहेंगे और आपको छोटा मानते रहेंगे, पर हम छोटे लोग छोटे नहीं होते, जिस दिन संगठित हो जाते हैं कि उस दिन ईंट से ईंट बजा देते हैं, तो हम सब लोग ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं? तो चलिए हम सब लोग, समय हो गया है, एक बार नारा लगाएंगे सब लोग, और नारा लगा करके और फिर इसके बाद हम लोग पुतला दहन के लिए चलेंगे, ठीक है? यहीं पर मुख्यमंत्री जी 2015 की घोषणा पूरी करो, मुख्यमंत्री जी 2015 की घोषणा पूरी करो, हम सब ने ठाना है, हम सब ने ठाना है, नई बस्ती की 6000 बहनों ने राखी भेजा है, नई बस्ती की बहनों ने राखी भेजा है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, भारत माता की, भारत माता की। हनुमान नगर नई बस्ती महामंत्री विनोद द्विवेदी के नेतृत्व में शिवराज सिंह चौहान जी का पुतला दहन किया गया। नई बस्ती आबादी घोषणा की मांग के लिए जिसमें सभी महिलाएं और पुरुष शामिल हैं और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए शासन से अनुरोध प्रकट किया है कि हमारी मांगें, हमारी बस्ती आबादी की घोषणा जल्द से जल्द की जाए। Come on!
नई बस्ती को आबादी घोषित करो, मुख्यमंत्री जी 2015 की घोषणा पूरी करो, मुख्यमंत्री जी 2015 मुख्यमंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, नई बस्ती को आबादी घोषित करो, मुर्दाबाद।